भारत सरकार और प्रदेश सरकार बाल श्रम को रोकने के लिए लाख प्रयास करती है। इसके संदर्भ में समय समय पर तमाम मुहिम भी चलाई जाती है और लोगों को जागरूक भी किया जाता है। इसके बावजूद भी कुछ लोग गरीबी का फायदा उठाने के लिए मासूम बच्चों से भी मेहनत कराने से बाज नहीं आते। कुछ ऐसा ही देखने को मिला कोसी क्षेत्र में, जहां इंडस्ट्री एरिया स्थित नवीपुर महालक्ष्मी प्रोडक्ट पर छाता एसडीएम और श्रम विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की। इस फैक्ट्री में प्लास्टिक के ग्लास बनाए जा रहे थे और मजदूरों की जगह छोटे छोटे बच्चे मजदूरी पर लगाए गए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पॉली के गिलासों पर बैन है, फिर भी ये लोग धड़ल्ले से गिलासों की फैक्ट्रियां चला रहे थे। जब छाता एसडीएम को पता लगा कि महालक्ष्मी पॉली प्रोडक्ट्स पर प्लास्टिक के ग्लास बन रहे हैं और वहां बाल मजदूरी कराई जा रही है, तो उन्होंने मैं फोर्स के इस फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की, जहां पर बाल मजदूर काम करते हुए पकड़े गए, जिसमें छाता एसडीएम ने कहा कि ये बाल मजदूरी आप क्यों करा रहे हैं, तो मालिक का जवाब मिला कि ये अपने माता पिता से मिलने आ जाते हैं। जबकि कुछ बच्चों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। बेटी हाँ, यहाँ कब से काम कर रहे हो? अभी आए थे। कितने दिन हो गए? दो तीन दिन हो गए। कितने बच्चे काम कर रहे हैं आपके? कोई और बहन भाई भी कर रहा है? अच्छा, कितने पैसे मिलते हैं आपको? कौन को पता है? किसके साथ आते हैं? पापा के साथ। पापा लेके आते हैं? हाँ। यहाँ कब से काम कर रहे हो? मैं अभी यहाँ दो तीन दिन आते। तो किसके साथ आते हो? किसके साथ आते हो? मम्मी। कितने पैसे मिलते हैं आपको पता है? और कितने बच्चे काम करते हैं? मुझे पता ना है, अभी तो मैं नहीं। आपको नहीं पता कितने बच्चे काम करते? क्या करते हो यहाँ? क्या काम करते हो? गिलास बनाते हो। अब सवाल इस बात का है कि इन मासूम बच्चों से काम कराने वाले फैक्ट्री संचालक के विरुद्ध क्या कार्यवाही तय की जाएगी, या कि फिर जुर्माना कर छोड़ दिया जाएगा। इस संदर्भ में बात करने पर एसडीएम छाता ने कहा कि इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। श्रम विभाग के अधिकारी बाल मजदूरों को अपने साथ मथुरा ले गए, जहां इन बाल मजदूरों से पूछताछ की जाएगी। हम आपको बता दें कि महालक्ष्मी प्रोडक्ट जैसी न जाने कितनी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, जहां गुपचुप रूप से मासूम बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती है। इन बाल मजदूरों की गरीबी को देखते हुए फैक्ट्री संचालक काम तो पूरा कराते हैं, लेकिन मेहनताना देते हैं कम। हाँ सर, बताएं, जो आज ग्राम नवीपुर में महालक्ष्मी प्रोडक्ट पर छापामार कार्रवाई हुई, उसमें क्या हुआ? आज हम और पुलिस इंस्पेक्टर कोसीकला महालक्ष्मी पॉली प्रोडक्ट कंपनी पे गए। वहाँ देखे तो जो है प्लास्टिक के ग्लास बन रहे थे। हमने वहाँ देखा तो हमने कहा ये तो प्लास्टिक के ग्लास, चूँकि प्लास्टिक में बैन है तो बैन होना चाहिए। तो वहाँ देखा और जो है वहाँ पर कुछ बच्चे भी थे। हमने कहा बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं, तो उन लोगों का नहीं, गार्जियंस लोग आए हुए हैं, गार्जियन के साथ रहते हैं, काम नहीं करते हैं। लेकिन मैंने कहा, तो फिर मैंने श्रम विभाग को और पॉल्यूशन विभाग दोनों लोगों को फ़ोन किया। श्रम विभाग आ गया था और पॉल्यूशन वाले कहे कि साहब मैं कार्रवाई करूंगा। मैंने उनसे कहा नहीं, आकर कार्रवाई करें इसे और इसको बंद कराएं। उन्होंने कहा मैं इसको आज से ही बंद करा देता हूं। और लेबर इंस्पेक्टर आए थे, ऑफिसर आए थे, वो अपना उन बच्चों को जो वहाँ उन्होंने पाया उनकी कार्रवाई के लिए वो अपना